हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकंड ईयर का पेपर, जो कि है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी विद्यालय का सृजन। इसका पेपर कैसे बनता है, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, किस क्वेश्चन में कितने पेजेस आपको फिल करने चाहिए, वो सभी डिटेल साथ के साथ डिस्क्राइब करेंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, तो आपको विदाउट स्किपिंग देखनी है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आप पेपर को। ये पेपर है 2019 का, जो कि आप सबके लिए यूजफुल है। बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम होने हैं, तो इसलिए अब अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट रखें। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें कि सेक्शन ए होता है आपका लॉन्ग टाइप का, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एंड एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी कि 24 का टोटल ये सेक्शन ए होता है, जो कि लॉन्ग टाइप का है। इसमें आपको जो पेजेस फिल करने होते हैं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊँ तो 4 to 5 आपको फिल करने हैं, मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 5 to 6 आप जा सकते हो। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 4 पेजेस तो फिल ही करो। इवन आपको अगर क्वेश्चन पेपर अच्छे से आता है तो आप 4 पेजेस, आपको पता भी नहीं चलेंगे कब फिल हो जाते हैं बीएड में, ठीक है। सो इसमें आपको क्या करना है कि 3 क्वेश्चन ही करने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो कोई भी डाउट आप सबका नहीं रहना है। जिनकी पहले बैक लगी थी उनके लिए भी ये पेपर था, तो सभी के लिए सेम टू सेम ही आता है बीएड का। लाइक जिनकी लास्ट ईयर बैक है तो वो 2020 में पेपर देंगे, तो उनके लिए भी सेम पेपर आएगा, एंड जो न्यू वाले हैं उनके लिए भी सेम ही पेपर आएगा, ठीक है। बीएड के अदर पेपर भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, बीएड की नोट्स भी मिल जाएंगी, तो उसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने आपको अच्छे से क्लास लेके समझाया हुआ है। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा की विस्तृत तुलना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो जनरल एजुकेशन होती है, स्पेशल एजुकेशन होती है और इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, उन सबको अच्छे से समझाइए, यानी कि कंपेरेटिवली समझाइए, यानी कि तुलना भी करनी किससे अच्छी कौन सी है और क्यों है। तो इस टाइप से इसमें आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपके सामने दूसरी चॉइस है, जिसमें कि अगर आपको फर्स्ट में ये नहीं आता सामान्य शिक्षा वाला, तो दूसरा कर सकते हो, जिसमें है शिक्षा के मुख्य धाराकरण से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा के मुख्य धाराकरण की विशेषता एवं घटकों की विवेचना कीजिए। तो आप देख सकते हो एक लॉन्ग में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप कोशिश से कोशिश करोगे लिमिटेड लिखने की, तो भी आपके 4 पेजेस ईजिली फिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम आप 5 to 6 जा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भारत में समावेशी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। ये कर लीजिए, या इसमें ही सेकंड में चॉइस है प्रतिभाशाली बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें भी 2 चॉइस है, कोई भी कर सकते हो, 2 में भी 2 चॉइस है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपकी 2 चॉइस आपको मिलेंगी। सो थर्ड क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट बालकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इसमें क्या है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं, उनसे आप क्या समझते हो, क्या उनकी जो है लाइक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या उनकी डिसएडवांटेज क्या होती है, उनकी फीलिंग क्या होती है, वो सब शेयर करना है। देन उनकी प्रॉब्लम क्या क्या होती है उन बच्चों में, वो सब आपको शेयर करना है इस लॉन्ग में। अब इसकी दूसरी चॉइस भी आपके पास है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप ये अटैम्प्ट कीजिए, ये अच्छे से नहीं आता है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको चॉइस है, आप वो अटैम्प्ट कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों को परिभाषित कीजिए, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की समस्याओं एवं शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन में इन्होंने मिनिमम से मिनिमम 3 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हालांकि वो होते एक ही चैप्टर से रिलेटेड हैं, जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर की है क्लास समावेशी शिक्षा पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, साथ ही साथ पीडीएफ बुक भी आपको मिल जाएगी, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के रिलेटेड मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया उस क्लास में, तो उसमें से ही पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बन जाते हैं और एक चैप्टर से आपका एक लॉन्ग मोस्टली बनता है, क्योंकि तरीका यही होता है, ठीक है। अब सेक्शन ए हो गया आपका एंड, अब देख लेते हैं सेक्शन 2, जिसे कहते हैं सेक्शन बी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो 4 क्वेश्चन है यानी कि उसमें से जो एक क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का होता है, टोटल 8 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, NCTE के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ NCTE, यानी कि NCTE क्या क्या कर सकती है, क्या क्या उसके पास पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सब जो भी आप NCTE के बारे में जानते हो ना वो शेयर करना है, उनके वर्क क्या होते हैं वो शेयर करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, पिछड़े बालक यानी कि बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में तो आपसे कार्य पूछे गए, ठीक है, तो वो मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया कि आपको सब बताना है, आपको वहाँ पे सिर्फ कार्य डिस्क्राइब करना है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में सिर्फ पिछड़े बालक पूछा है, तो इसमें आप कैसे लिखोगे? इसमें आपको पहले पिछड़े बालकों की डेफिनेशन बतानी जो एग्जैक्टली आप बता सकते हो, उसके बाद उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि आप पिछड़े बालक को कैसे पहचानोगे, है ना, उनकी लाइक IQ कम होती है या जो भी आप जानते हो उसके बारे में, वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो दोनों चीजें डिस्क्राइब करनी है। अगर आपसे सिर्फ पूछता उनकी प्रॉपर्टीज बताओ, उनकी खासियत बताओ या उनकी कमियां बताओ, तो आपको वो बतानी होती, बट अभी यहां पे सिर्फ सीधा सीधा पूछा है तो आपको सब डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम बाधित बालकों की समस्या बताओ, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो उनकी प्रॉब्लम क्या है। आपको यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर सिक्स में सिर्फ उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, अदर चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है। यही तरीका होता है बीएड के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, कितना आपको कैसे लिखना है वो सभी समझाने का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज क्वेश्चन नंबर सेवन, यानी कि ई अधिगम, ई लर्निंग क्या होती है। अब यहाँ पे भी ई लर्निंग के बारे में जितना आप जानते हो ना वो लिख सकते हो। अगर आपसे प्रॉपर्टीज पूछता है सिर्फ, तो आपको सिर्फ वही डिस्क्राइब करनी चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ आपसे नाम दे दिया तो आप जितना उसके बारे में जानते हो, उसके कार्य जानते हो, लाइक ऐसा हो जाता है बहुत बार कि आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं पता बट उसके कार्य पता है, उसकी कमियाँ पता है, तो आप क्या करो, इंट्रोडक्शन दो लाइन कर दे, तो कार्य और कमियाँ दोनों लिख दो, क्योंकि उसे मतलब है क्वेश्चन में जब आप आंसर लिखते हो कि आप मटेरियल कितना लिख रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एट है आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका, तो इसमें यहाँ पे आपको विद्यालय की जो भूमिका होती है समावेशी विद्यालय की, जो कि मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, वो आपको शेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका स्लो लर्नर, यानी कि मंद अधिगामी बालक कैसे होते हैं। स्लो लर्नर क्या होते हैं, जो कि बहुत लाइक बहुत आराम से सीखते हैं बच्चे, कुछ होते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत आराम से सीखते हैं, तो वो आपका आता है मंद अधिगमी बालक में। क्वेश्चन नंबर 10 है अपराधी बालक है तो शैक्षिक प्रावधान, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं एवं प्रावधान, तो ये सब आपको इसी तरीके से डिस्कस करना होता है जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देख लेते हैं सेक्शन सी, जिसमें होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई भी 8 आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल जो ये पेपर होता है आपका बीएड सेकेंड ईयर का, वो होता है आपका 40 मार्क्स का, यानी कि 40 मार्क्स का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नंबर 1 पे आ जाते हैं पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है, यानी कि कॉज ऑफ बैकवर्डनेस कैन बी फिजिकल एनवायरनमेंट मेंटल या ऑल अबव, तो इसमें सभी है उपरोक्त सभी, क्योंकि जो आपके पिछड़ापन होता है वो किसी भी वजह से हो सकता है, उसके कारण कोई भी हो सकते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। हालांकि मैं आंसर नहीं बता रही हूँ बट फिर भी आपको चॉइस के लिए मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, अब इसमें लिखने का तरीका क्या है, आप चाहो तो आप सभी क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर लिख सकते हो, या डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 डालिए और उसका आंसर दीजिए उपरोक्त सभी, फोर्थ लिखे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें है आत्मज्ञान, आत्मसमायोजन, आत्मस्वीकृति या उपरोक्त सभी, तो इसका मान लीजिए उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं श्योर नहीं हूं कि इसका आंसर क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप नोटबुक में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 19 आंसर उपरोक्त सभी, ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है, उससे क्या होगा आपका टाइम भी सेव होगा एंड आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20 इज कुसमायोजन के कारण क्या हैं, तो इसमें आपका नेचुरल हो सकता है, सोशल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या ऑल ऑफ दीज, इसका ऑल ऑफ दीज ही है 100% इसका मैं श्योर हूँ, क्योंकि आपने बीएड फर्स्ट ईयर में भी इसे पढ़ा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये सभी। सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी कि एग्जैक्टली पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए, कितना मटेरियल आपको लिखना चाहिए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो मुझे नहीं पता आप कब तक देखोगे, मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के लिए, मुझे ये भी नहीं पता कितने लोग देखेंगे, मे बी 1 से 2 स्टूडेंट ही देखेंगे जिस टाइम मैं इसे अपलोड करूँगी, बट येस मैं वर्क कर रही हूँ, कभी ना कभी ये स्टूडेंट के लिए यूज़फुल रहेंगे, स्टूडेंट आएंगे तो उनके लिए यूज़फुल रहेगी, तो इसलिए मैं सिर्फ वर्क करते जा रही हूँ, वो कब मुझे फीडबैक देता है, कब मुझे इस मेहनत का मिलता है, वो चीजें बाद में डिपेंड करती हैं, बट आई विश कि ये जिन भी स्टूडेंट तक जाए उन सभी के लिए यूजफुल रहे, उन्हें कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिले। क्वेश्चन नंबर 21 है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन टीचिंग वाज गिवन बाय बी एस ब्लूम,
आई के डेविस, हर्बर्ट या ग्लासर, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग का वो किसने दिया था। तो इसमें आपसे डायरेक्टली सिर्फ आंसर पूछा गया है, तो आपको जो भी इसमें आंसर लगता है आप वो बता सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब यही होता है कि जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है, लाइक क्वेश्चन आप पूरा दो लाइन का लिखोगे वो नहीं हो सकता है। तो आप कोशिश करो डायरेक्ट आप आंसर लिख के, क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर लिख के एंड छोड़ दो, और आपको मार्क्स उसी पे मिल जाएंगे भाई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड हो जाती है क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर कर दिया है। मेरे चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बीएड के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, चैनल को ओपन करना है एंड ओल्ड वीडियोस को चेकआउट करना है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। आपको सिर्फ चैनल देखना है, काफ़ी वीडियोज़ हैं आपके लिए, नोट्स भी हैं, पीडीएफ बुक भी हैं, फाइल्स भी हैं, जो कि आप इजीली वीडियो के थ्रू, मैं आपको समझाती भी हूँ, सिर्फ वीडियो के थ्रू शो नहीं करती, आपको समझाती भी हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। लेसन प्लान मैंने इतनी अच्छे से समझाया हुआ है कि आप कोई भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, वो सिर्फ आपको कॉपी करने के लिए लेसन प्लान दिखाते हैं, बट मैं आपको समझाती हूँ कि लेसन प्लान बनते कैसे हैं। इसलिए आई विश कि मेरी वीडियो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहें। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो विद ऑल द स्टूडेंट्स।